हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो। आज मैं आपको एक नई रेसिपी बनाना सिखाऊंगी गोलगप्पे की। एक छोटी कटोरी आटा लेंगे और एक छोटी कटोरी सूजी। अब हमने ये ले लिया है, अब इसे हम पानी से आटा गूंद लेंगे। ना हमें सॉफ्ट गूंदना है और ना ही ज़्यादा हार्ड। हमें जैसे पूरी बेलते हैं, जैसे पूरी के लिए हमें आटा चाहिए, वैसे ही आटा हमें गोलगप्पों के लिए चाहिए। अपने ये देखिए, हमारा आटा गूंद चुका है। इस आटे को ना हमने सॉफ्ट गूंदा है और ना ही ज़्यादा हार्ड। हमने पूरी जैसा, जैसे हम पूरी के लिए आटा यूज़ करते हैं, वैसे ही आटा हमने अपने गोलगप्पों के लिए करा है। देखिए, हमारा आटा गूंद चुका है। अब इसे हम आधे घंटे के लिए एक कॉटन के कपड़े में, सूती कपड़े में इसे हम ढक देंगे, ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। हमारा आटा अब सेट हो गया है। ये देखिए, अब इसे हम थोड़ा सा और गूंद लेते हैं। ये देखिए, हमारा आटा गूंद गया है। अब इसकी हम छोटी छोटी अपनी लोइयां बनाएंगे, छोटी छोटी बनानी है, इतनी इतनी। ये देखिए, ऐसे छोटी छोटी लोइयां बनानी है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा तेल लगा देते हैं जिससे हमारी लोइयां चिपके नहीं। हमने तेल कढ़ाई में चढ़ा दिया है और इसे हम तेज आंच पे रख देंगे। अब इसे हम पूरी की तरह बेल लेंगे। ये देखिए, सब एक जैसी बेलनी है, ना मोटी ना पतली। ये देखिए, इसे हमने तेल गरम करने के लिए रखा है, क्योंकि ये तेल गरम होएगा तभी हमारी अच्छी अच्छी गोलगप्पे बनेंगे। डालना है
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे गोलगप्पे बनके रेडी हो गए हैं। ये हमारा जलजीरा का पानी है, ये आलू का पेस्ट है। ये देखिए हमारे कितने अच्छे बने हैं, ये देखिए, ये देखिए बाजार के जैसे हैं। ये इसमें डाल देते हैं, और आप भी बनाएं। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऐसी ही नई वीडियो के साथ फिर आऊँगी मैं, और तब तक के लिए बाय।